दुकानें अब बदले क्लेवर में नजर आएंगी। छत्तीसगढ़ की सभी राशन दुकानें तिरंगे के रंग में होंगी, साथ ही सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि गड़बड़ी रोकी जा सके। इसको लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निर्देश के बाद सभी कलेक्टरों को मॉडल का प्रारूप भेजा गया है और इस मामले पर स्वराज एक्सप्रेस से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को कांग्रेसीकरण करने का ये प्रयास है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने और नेता प्रतिपक्ष धनलाल कौशिक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। लोगों को अब तिरंगे के रंग में रंगने की कवायद सरकार शुरू करने जा रही है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं। और किस तरीके से देखते हैं सर, जिस तरीके से अब तिरंगे के रंग में राशन दुकानों को रंगा जाएगा? एक प्रकार से पूर्णतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो व्यवस्था है, जो आम आदमी के लिए राशन की व्यवस्था करता है, उसको पहले इन्होंने राशन के कार्ड में अपने नाम और फोटो छपवाए, अब फोटो के साथ साथ दुकानों को तीन रंग के रंग से रंग रहे हैं। तो एक प्रकार से कांग्रेसीकरण करने का प्रयास है और ये संदेश गलत संदेश जाता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरकार और पार्टी के साथ जोड़े। पार्टी के साथ तो जोड़े ठीक है, लेकिन क्या बीजेपी इसे किस तरीके की प्रोटेस्ट करेगी, बीजेपी इस पर सवाल उठाएगी? निश्चित रूप से ये उचित नहीं है और इसका हर स्तर पे हम देखेंगे कि कैसे विरोध हो सके। हर दिन धान खरीदी को लेकर एक तरीके की जिस तरीके खबरें जनरेट की जा रही हैं, खबरें आ रही है कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है, कई हजार मीट्रिक टन धान अब तक अवैध तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसे पकड़ा गया है। शहरी सीमाओं में ये आवक बढ़ती जा रही है, क्या सरकार बॉर्डर पर रोकने में सफल नहीं हो पा रही या अक्षम है? मुझे समझ नहीं आता, 15 क्विंटल से ज्यादा यदि उत्पादन हो रहा है, सरकार 15 क्विंटल खरीदेगी, शेष धान को मंडी में बेचने से कैसे रोका जा सकता है? मंडी यदि किसान ला रहा है उसको भी जब्ती बनाया जा रहा है, और बॉर्डर में यदि आप रोकते हैं तो बहुत अच्छा है, बॉर्डर को सील करना चाहिए, मगर बिलासपुर से लेकर बड़ौदा बाजार से लेकर रायपुर में यदि धान की जब्ती होती है तो इतना 150-200 किलोमीटर कैसे धान चल के आ गया? तो ये निश्चित रूप से मिलीभगत भी है और एक प्रकार से मैं कहूंगा कि किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ये कह रहे थे, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। ये तिरंगे के रंग में रंगने की जिस तरीके से राशन दुकानों को रंगने की कवायद सरकार कर रही है, क्या विधानसभा में ये मुद्दा हुआ? देखिए, जिस प्रकार से पहचान एक्चुअल में कार्य से होनी चाहिए और कार्य से आदमी की पहचान बनती है, सरकार की पहचान बनती है, केवल फोटो लगाने से कलर करने से वो पहचान नहीं बनेगी। और जिस प्रकार ये कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उल्टा लोग हंसी के पात्र बना रहे हैं कि ये सरकार अपने रंग में रंगना चाहती है। रंग तो हृदय से रंगना चाहोगे तो रंगेगे, आप पॉलिश करके रंग नहीं सकते। और इस बहुत सारे चर्चा का विषय बना हुआ है, आगे देखेंगे कि आगे हाउस में भी उस बात पर चर्चा करेंगे। तो संभावना है कि बीजेपी 25 तारीख से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को सदन में उठा सकती है। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।